शिरडी के साईं बाबा की मूर्ति का खुला राज जरूर जानें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज के जमाने में सबसे ज्यादा जिस देवता की पूजा की जा रही है वो है साईं बाबा, जबकि बाकी सारे देवता थे कि नहीं, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जबकि साईं बाबा ने लोगों के बीच में रहकर ही समाधि ली है। आज पूरी दुनिया में साईं बाबा के चमत्कार के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। आप सब जानते हैं कि साईं बाबा के सभी मंदिरों में उनकी मूर्ति की पूजा की जाती है, जो कि संगमरमर की बनी हुई होती है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि साईं बाबा की असली मूर्ति शिरडी में ही बनाई गई है, जी कि उनकी समाधि स्थान पर स्थित है। यही मूर्ति की पूजा साल 1954 से लेकर आज तक लगातार की जा रही है। अब इस मूर्ति से जुड़ा एक और बड़ा रहस्य सामने आया है। क्या है साईं बाबा की मूर्ति का रहस्य? कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि साईं बाबा अपने सभी भक्तों के दुख दूर करते हैं और वे खुद ही वहां पर आते हैं। ऐसा ही कुछ साईं बाबा की आसन वाली मूर्ति बनाने वाले कलाकार के साथ हुआ है। जब वो उस मूर्ति को बना रहा था, तब वो मन ही मन में साईं बाबा को याद कर रहा था। दरअसल बात कुछ यूँ है कि साल 1954 में साईं बाबा की मूर्ति बनाने वाले मुंबई के बंदरगाह पर इटली से मार्बल को लाया गया था। अब रहस्य ये है कि इस मार्बल को किसने भेजा और कौन से पते से आया, इस बात को आज तक कोई भी नहीं जानता। बस इस मार्बल पर इटली लिखा हुआ था, तो इससे पता चलता है कि वो इटली से आया होगा। बाद में मूर्ति को बनाने का काम वसंत तालीम को सौंपा गया था। जब वे मूर्ति बना रहे थे तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वे निराश होकर एक कोने में बैठ गया। कुछ देर बैठकर बाबा को याद करके बोला कि बाबा मुझे शक्ति दे कि मैं आपकी मूर्ति बना सकूं। बाद में साईं बाबा ने खुद ही दर्शन दिए और एक आसन वाली मूर्ति बनाई गई। आज के समय में इस मूर्ति को करोड़ों लोग पूजते हैं। अगर आप शिरडी जाएंगे तो आप भी, ये मूर्ति वहीं पर ही स्थापित की गई है और इसको देखकर हमें लगता है कि बाबा हमारे सामने स्वयं बैठे हुए हैं।